सुखो बुद्धानुपादो सुखो सद्धम देशना सुखो संगस सामग्री समग्गान तपो सुखा। विश्वरत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, अच्छा कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, कार्यक्रमाचे नियोजक आदरणीय भत्तेजी कश्यप, आदरणीय भत्तेजी रतन बोधी, मैं प्रिंसिपल डॉक्टर वाई के थोम्बरे THOMBARE, मैं यही तालुका का हूँ, लेकिन सर्विस के वजह से हम बॉम्बे में हैं। तो मेरा जो आज का जो बोल आपसे वार्तालाप करने का जो उद्देश्य है वो ये कि हमारी बुद्धिस्ट लोगों की क्या समस्याएं हैं, तो इस पर मैं थोड़ा सा अपना एक ओपिनियन रखना चाहता हूँ। इरेस्पेक्टिव ऑफ दी ओपिनियंस मेनी पीपल्स हैव ऑलरेडी पुट अप और आर गोइंग टू से समथिंग अबाउट, मेरा मानना यह है कि एज अ आउटलाइन ऑफ माई से इज दैट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट सोसाइटी और जो सभी बुद्धा को बाबा साहब आम्बेडकर को उनको मानते हैं तहे दिल से सच्चे दिल से और इस सिस्टम में काम करना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ बुद्धा अम्बेडकराइट और फुलेश अम्बेडकराइट सोसाइटी होना ज़रूरी है। ये कि इन द चेंजिंग डायमेंशन आप जो परिस्थितियां देख रहे हो कई सालों से बदल रही है, और जो एक हिस्टोरिकल सेइंग है योर पास्ट शेप्स योर प्रेजेंट एंड प्रेजेंट शेप्स योर फ्यूचर, जो आपका भूतकाल है वो आपका वर्तमान तय करता है और जो वर्तमान में चल रहा है वो आपका भविष्य तय करता है। अभी हम इको पॉलिटिकल सिचुएशन जो सारे भारतवर्ष में देख रहे हैं वो इस तरह से है कि पूरा ये जो फुलेश अम्बेडकर जो सोसाइटी है उसके एक खिलाफ का एक माहौल चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। हम किसी का नाम या कुछ वी आर नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीबडी बट दिस इज व्हाट इज द फैक्ट। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फुलेश अम्बेडकर सोसाइटी का कैसा हो, हाउ टू मेक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यू शुड हैव योर ओन रोड मैप, आपके पास आपका खुद का रोड मैप होना जरूरी है। नहीं तो बाबा साहब ने ये कहा यहाँ ये कहा वो किताब में वो कहा महात्मा फुले जी ने वो कहा वगैरह वगैरह, ठीक है ये आपने पढ़ा है सब, इम्प्लीमेंटेशन का या एग्जीक्यूशन का क्या, व्हाट इज़ ए प्लान आपके पास, एग्जीक्यूशन का रास्ता क्या है, आपने क्या तय किया है। मैंने कहा कि जिस मेरा जो अजम्पशन है कि जिस तरह से परिस्थितियाँ बदल रही है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें आज ये दर्शाती है कि आपके पास आपका खुद का एजेंडा होना चाहिए विद, और वो भी सारा एजेंडा आपको एग्जीक्यूट करना है आपके रिसोर्सेज के थ्रू, ये नहीं कि भी किसी के तरफ आप हाथ फैलाए और कहें कि हमें ये मदद करिए वो मदद करिए और फिर हम अपना एजेंडा एग्जीक्यूट करिए। तो मेरा जो आज का जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जो मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ उसे 5-point प्रोग्राम मैंने ऐसा उसको नाम दिया है, जिसमें आता है सोशल कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड फिनेंशियल। तो फिनेंशियल पार्ट जो है माय फ्रेंड डॉक्टर इंगोले हु हैड बीन इन द वेरी रिसेंट पास्ट the professor and head of the department of economics in SNDT university, as well as after that he was chairing
द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चेयर इन मुंबई यूनिवर्सिटी. सो वी हु इज़ ऑलरेडी ओवर हियर एंड ही वुड बी प्रेजेंटिंग द मॉडल ऑफ बुद्धिस्ट इकोनॉमी. वॉट बुद्धा है, सब बुद्धा ने अपने इकोनॉमिक मॉडल के बारे में क्या कहा और उसका कैसा संभव है डेवलपमेंट करना. लेकिन उसके पहले मुझे जो कहना था कि ये जो हमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना है, सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, ये मैं सीमित करूँगा, फाइनेंशियल पार्ट वो देखने वाले के यू हैव टू, आपके पास आपका एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए. सोशली, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशली यू शुड बी ऑल कनेक्टेड. आप सभी कनेक्टेड हो एक दूसरे से, भले ही आपके इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो लेकिन आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो. आपका मैत्री भाव विकसित हुआ हो या विकसित करने की प्रक्रिया में आप सभी हो. आप में से आप में कोई भी सिविल से सोशल इविल्स नहीं होना चाहिए. चाहे वो आपके जो इंटरनल कास्ट सिस्टम है उनके बीच में आपने नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारी छोड़ देना है. सोशली आप सभी को, मैं तो केवल बुद्धिस्ट नहीं कहूँगा, इस फुले शव अम्बेडकरी सोसाइटी जो है उन सभी में एक सोशल ऑर्डर एक इस तरह से बने कि आप कल्चरली भी जुड़ जाए, वो भी आपको ऑर्डर आप ही को तैयार करना है. एंड देन एजुकेशनल पार्ट ऑफ इट, यू शुड हैव योर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. द वे आज जिस तरह से परिस्थितियाँ बदल रही है, और हमने आज ही, मुझे लगता है कि आज ही सवेरे जो बात भतीजी ने पढ़ के बताई कि वो कि गैर हिंदुओं को कोई भी मंदिरों में प्रवेश नहीं है. कोई पेपर का कटिंग हम पढ़ रहे थे भतीजी के साथ में, गैर हिंदुओं को कोई भी मंदिरों में प्रवेश नहीं है. सो ऑर्डर्स आर कमिंग नाउ फ्रॉम द गवर्नमेंट और हमें उधर जाने की जरूरत भी नहीं है. बाबा साहब ने कहा था खुले करो, वो बंद कर रहे, खुले हो गए थे वो बंद कर रहे. हम चाहते संविधान बचाया जाए लेकिन वो इस तरह से काम कर रहे कि संविधान में कुछ नहीं बचे. लेकिन आपकी सिस्टम अगर आपके पास है तो आपका ही सब कुछ है. फुले शव अम्बेडकर को चाहे वो कितने भी मारने की कोशिश करे लेकिन वो मरने वाले नहीं है. वो जितना जैसे कहा गया है कि डेड अम्बेडकर वुड बी मोर इफेक्टिव देन द लाइव वन. एंड बाबा साहब ने लास्ट जो बात कही थी, आप सभी को पता है कि जब मेरे देश का और मेरे समाज का सवाल आएगा तो मेरे देश के साथ में खड़ा रहूँगा, और जब मेरे समाज का और मेरे इसका मेरे समाज का और इसका सवाल आएगा तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा रहूँगा. समय यह है कि जो बाबा साहब की जो वाणी थी उसके साथ आपको अभी खड़ा रहना है. आपको समाज के साथ बाय ऑल द मीन्स तन मन धन ये सभी साधनों के साथ आपको खड़ा रहना है, तभी आपकी ऑर्डर जो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो सकती है. आपको बातें करनी नहीं है, अभी काम करना है. जितना आप काम करोगे, जैसे कि बुद्धा का एक सेंस, जितना तपोगे, तपस्या में जितना तपोगे उतना पाओगे. अभी बंती जी ने हमें जो आज सक्रिय विपश्यना दी है उसमें आप सभी जान गए हैं कि सक्रिय विपश्यना क्या होती है और उसका अचीवमेंट कैसा, उसका जो एम है वो कैसे आपको सक्सेस देगा. सो मैं यहाँ पर अपनी बात ख़त्म करूँगा और मैं अपना दोस्त जो है प्रोफेसर डॉक्टर इंगोले जी को मैं इन्वाइट करूँगा कि आप अपना बुद्धिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रेजेंट करें. थैंक यू वेरी मच.